वेलकम बैक टू माई दिस अमेजिंग फूड चैनल ऑफ कुकिंग विद शीतू। इट्स मी शीतू। एंड गाइस, अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो की अपडेट को मिस आउट ना करें। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर दिए अपनी वीडियो। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इलेक्ट्रिक कुकिंग पैन का रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट कर दिए अपनी वीडियो। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक कुकिंग पैन है एंड इसकी डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड गाइस, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपकी कुकिंग को बहुत ही इजी बना देगा एंड ये आपकी कुकिंग की सभी नीड्स को बहुत ही आसानी से फुलफिल करने वाला है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये प्रोडक्ट आपकी कुकिंग को बहुत ही क्विक एंड ईजी बना देगा। एंड ये देखिए गाइस, ये कुछ इस तरह से है एंड इसकी डिज़ाइनिंग एंड इसकी क्वालिटी गाइस ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, इसका प्राइस 2000 के अप्रॉक्स है एंड ये एक इलेक्ट्रिक मल्टीफंक्शन कुकिंग पैन है। एंड इसी के साथ गाइस, हमें एक यूज़र मैनुअल बुक दी गई है जिसमें कि कंप्लीट डिटेल्स गिवन है। सो ये देखिए गाइस, ये एक इलेक्ट्रिक नॉन स्टिक कुकिंग पैन है जिसका कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। एंड इसके साथ ही एक ग्लास की लिड मिली हुई है जिसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं, एंड क्वालिटी भी बेस्ट है। ये इतनी जल्दी गिरने से ब्रेक नहीं होगा, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि मल्टी कुकिंग अप्लायंस है तो आप इसमें वैरायटी ऑफ कुकिंग कर सकते हैं। एंड ये देखिए गाइस, इसके साथ वुडन स्पैचुला भी दिया हुआ है एंड ये जो लिड है इसमें इसकी आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो फ्लावर का प्रिंट दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस गाइस ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इसी के साथ हमें ये थर्मोस्टेट पैनल दिया हुआ है एंड इससे गाइस आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी परफेक्ट कुकिंग के लिए आप थर्मोस्टेट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें रेंज दी हुई है आपको टेम्परेचर की, तो आप उसे अपने फूड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं इजली। एंड इस अप्लायंस को आप गाइस इजीली यूज़ कर सकते हैं एंड ये प्रोडक्ट गाइस मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड इसमें गाइस जो पावर कॉर्ड प्लग है वो 220 वोल्ट का है एंड इसमें आपको 6 मंथ्स की वारंटी दी जाती है। गाइस, इसमें आप वैरायटी ऑफ कुकिंग कर सकते हैं, आप इसमें फ्राई कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं एंड रोस्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे सामने इलेक्ट्रिक कुकिंग पैन है और ये बहुत ही अच्छा अप्लायंस है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड गाइस, इसमें आपको 9 फीचर्स टोटल दिए जाते हैं जैसे कि कुक, रिंस, स्टीम, फ्राई, ग्रिल, डीप फ्राई, कुक फ्राई, रोस्ट। इसमें टोटल आपको 9 फीचर्स दिए जाते हैं एंड ये गाइस बहुत ही अच्छा अप्लायंस है। एंड गाइस, इसके साथ एक मैनुअल बुक भी दी जाती है जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स इससे रिलेटेड मिल जाएंगी। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें आप इसका इंट्रो देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको गिवन है एंड इसे कैसे यूज़ करना है, इसका वारंटी पीरियड, ये देखिए गाइस, इसमें इसका वारंटी पीरियड एंड इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ ऑपरेशन, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस मैनुअल बुक। एंड इसमें क्या सिस्टम्स यूज हुए हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टमैटिक, ये भी आपको गिवन है एंड इसका इंट्रोडक्शन एंड इसे कैसे यूज़ करना है एंड इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको इस मैनुअल बुक में मिल जाएगी, तो आप इसे देख सकते हैं। एंड गाइस, इसी के साथ आपको एक थर्मोस्टेट पैनल भी दिया जाता है जिसमें 5 हीटिंग लेवल्स भी गिवन होते हैं। इस आप अपने फूड के अकॉर्डिंग इसमें अपना हीटिंग लेवल इसमें सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर गाइस, आपको थर्मोस्टेट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे राउंड में मूव कराकर इसे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, इजी एडजस्ट हो जाएगा। एंड ये आपके थर्मोस्टेट पैनल को कंट्रोल करने के लिए है, इसमें आप अपना हीटिंग लेवल सेट कर सकते हैं, आपका फूड का जो टाइप है फूड के अकॉर्डिंग आप इसका थर्मोस्टेट का लेवल, हीटिंग लेवल सेट कर सकते हैं इजली। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अप्लायंस है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड गाइस, आप इसे इजीली क्लीन भी कर सकते हैं, आप इसे कोई भी नॉर्मल क्लॉथ से आप इसे वाइप कर दीजिएगा, ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एंड अगर आप इसे वॉश करना चाहते हैं तो आप इसका ये सॉकेट को सेव करते हुए आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश भी कर सकते हैं। एंड गाइस, इस पैन
पैन के साथ आपको एक ग्लास लिड, ये ग्लास लिड आपको इसके साथ दी जाती है एंड एक वुडन स्पैचुला एंड ये आपको थर्मल स्टैट पैनल इसके साथ गिवन होगा। एंड गाइस, आप इस इलेक्ट्रिक कुकिंग पैन अप्लायंस की मदद से आप कोई भी रेसिपी बहुत ही इजीली एड बना सकते हैं, जैसे आप इसमें मैगी, पिज़्ज़ा, गुलाब जामुन या कोई भी रेसिपी बहुत ही इजीली कहीं भी बना सकते हैं आप किचन में, बालकनी में, एंड आप इसका यूज़ कहीं भी कभी भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। एंड ये इस थर्मोस्टैट पैनल नॉब की वजह से आप अपना फूड को वार्म रख सकते हैं एंड इसे कहीं भी बना सकते हैं और थर्मोस्टैट की हेल्प से आप फूड का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसे वार्म रख सकते हैं। सो आपको गाइस इस इलेक्ट्रिक कुकिंग पैन में सॉकेट गिवन होगा, ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, एंड इसमें यहाँ पर इसे थर्मोस्टैट को अटैच करने के लिए रखते हैं, यहाँ पे सॉकेट गिवन है। तो अब हम इसे ये थर्मोस्टैट पैनल को इसमें फिट कर देंगे, सेट कर देंगे। इसे थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे, और ये अच्छे से फिट हो जाएगा इसमें। एंड देन हम इस प्लग को बोर्ड में अटैच करेंगे एंड इस ग्लास लिड से पैन को कवर अप कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारा पूरा कुकिंग पैन का सेटअप रेडी हो गया है और अब हम इसमें कोई भी फूड को इजीली कुक कर सकते हैं। एंड गाइस, इसमें आपको 6 मंथ्स का वैरायटी पीरियड भी मिलता है एंड इसमें इस मैनुअल बुक में आपको कंप्लीट डिटेल्स गिवन है। एंड एट द टाइम ऑफ कुकिंग ये पैन लो साइड से बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो आपको इंश्योर करना है कि नीचे सेफ है या नहीं। एंड जब आप कुकिंग कर लें तो आप इसे बच्चों से आपको दूर रखना है और इसे थोड़ी देर के लिए कूलिंग होने के लिए रख देना है। एंड प्लग को आपको डिटैच कर लेना है वॉश करने से पहले। एंड यहाँ इस मैनुअल बुक में आपको कंप्लीट डिटेल्स दी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करना है। सो एंड ये देखिए गाइस, ये पैन की बॉटम साइड है, आप देख सकते हैं इसमें गाइस आपको इसका वोल्टेज, पावर एंड वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, ये सब डिटेल्स इसमें गिवन है आपको, आप देख सकते हैं। इसका वोल्टेज 220 वोल्ट का है एंड इसकी 3.5 लीटर कैपेसिटी है एंड ये ओसाका की तरफ से बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मल्टीफंक्शन पैन है एंड इसकी क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइनिंग बहुत ही बेस्ट है। एंड इसमें गाइस बॉयल से लेकर के फ्राई, डीप फ्राई एंड ग्रिल तक ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, इसीलिए हम इसे मल्टी कुक अप्लायंस बोलते हैं। एंड ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग अप्लायंस है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छे से रेसिपी कुक करके दिखाऊंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्रिंग यू हब, ये कम ऑन।